सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मिष्ठान भंडार के बारे में बताने वाले हैं। आप कैसे मिठाई की शॉप की स्टार्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं कितनी लागत के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम आए हैं 56 भोग मिष्ठान भंडार बिजनौर। अरविंद कुमार जी नमस्कार। भाई साहब, सर कितने समय से आप 56 भोग मिष्ठान भंडार चला रहे हैं? मैं लगभग एक साल से 56 भोग चला रहा हूँ। सर, उससे जैसे 56 भोग एक साल से चला रहे हैं आप, तो कहीं से आपने सीखा काम, एक्सपीरियंस लिया, या आपने डायरेक्ट ही मिठाई की दुकान खोली? सर नहीं भैया, पहले 18 साल जॉब करी, जॉब से तजुर्बा किया, तजुर्बे से फिर इस मुकाम पर पहुँचा कि अपना कार्य कर सकूँ। फिर इसके बाद मैंने अपना मन बनाया, अपना काम करा। सर 18 साल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है भी किसी भी काम को करने के लिए। तो सर जैसे 18 साल हो गए, तो आप हमें बता सकते हैं कि दुकान कैसी होनी चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए और कैसे प्लेस पे होनी चाहिए? जी भाई साहब, देखिए इसके लिए भाई साहब जगह या तो मेन मार्केट में हो और या फिर ऑन रोड हो, स्कूल वगैरह ये लगभग सब आपके ऑफिस वगैरह सब पास आते हों तो वहाँ ज़्यादा अच्छा स्कोप रहेगा इसका। और लगभग दुकान के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम 100 गज जगह कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सीटिंग भी ज़रूरी है आज के टाइम में, और सीटिंग के साथ साथ फिर अपना ये थोड़ा दुकान पे भी इतना सामान रहता है कि अपना थोड़ा सा लोगों को दिखे कि कुछ हम कर पाएँ। इससे कम जगह में काम नहीं चलता, इसमें 100 गज कम से कम चाहिए। सर जैसे हम देख पा रहे हैं 56 भोग, उसी हिसाब से आपने 56 तरह की लगभग मिठाई भी लगा रखी है सर। तो सर इसमें मिठाई के काम में टेस्ट और क्वालिटी का बहुत महत्व है, इसे कैसे मेंटेन किया जाता है? देखिए क्वालिटी जो है, क्वालिटी का ही सारा खेल है। अगर क्वालिटी होगी, क्वालिटी के बिना इस काम में कुछ नहीं है। और क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, अच्छे कारीगर चाहिए इसके लिए और अपना तजुर्बा पहले चाहिए, क्योंकि अगर कारीगर भी, अगर मान लो आपको तजुर्बा नहीं है तो कारीगर भी आपके मानक पर खरा नहीं उतर सकता। तो इसलिए कारीगर अच्छे चाहिए, कारीगर के साथ साथ आपको अपना अनुभव जरूर चाहिए। सर आपने कारीगर की बात की, तो लगभग कितने कारीगर से काम चल जाएगा और उन्हें क्या एक्सपीरियंस, वो भी एक्सपीरियंस होने चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल कारीगर एक्सपर्ट होने चाहिए, और एक्सपर्ट के बाद मैं समझता हूँ लगभग जो है कम से कम, अगर मान लो छोटा काम भी आप कर रहे हो, लगभग जो है 15 से 20 आदमी कम से कम चाहिए इस काम में, इससे कम में काम नहीं बनता। सर जैसे आपका 56 भोग मिष्ठान भंडार का ये आउटलेट है, इसके बाद सर कारखाना कहीं अलग होना चाहिए या उसमें ही बना सकते हैं? नहीं देखिए, कारखाना बिल्कुल शॉप से अलग होना चाहिए, कारखाने के पास शॉप कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएँ घटती रहती हैं। तो इसलिए कारखाना तो बिल्कुल अलग ही होना चाहिए, कारखाना कभी भी दुकान के पास नहीं होना चाहिए। सर इसमें मिठाई के काम जहाँ बनती वगैरह हैं, तो फ्लाई फूड वगैरह, मक्खी वगैरह काफ़ी आ जाती हैं, उनसे बचाव के लिए क्या उपाय? देखिए मक्खियों का जहाँ तक ताल्लुक है, मक्खी तो जहाँ ही, अगर मान लो मिठाई का काम है तो मक्खियों का तो कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत से आज के टाइम में बहुत से केमिकल हैं, बहुत से साधन हैं। अब तो जो अपना पूरा अपना साधन लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह की कोई मक्खी वगैरह कोई नहीं दिखेगा आपको। अगर साधन नहीं है तो सब बेकार है, साधन पहले है। सर इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आए? सर क्या मार्केट में जो पैक दूध है वो लेना चाहिए या किसानों से डायरेक्ट लेना चाहिए कि उन्हें भी रोज़गार मिले? इसके लिए अच्छा तो यही रहेगा, बेहतर यही है कि किसानों से दूध लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसानों से हम दूध लेंगे तो किसानों को एक रोज़गार मिलेगा, किसानों को रोज़गार मिलेगा, अपना सब जगह हरियाली हरियाली आएगी, क्योंकि किसान संपन्न देश है हमारा, बिना किसान के हम बेकार हैं। तो इसलिए पहला प्राथमिकता तो किसान को ही दी जानी चाहिए इसमें। उसके बाद सर जैसे मावा वगैरह काफ़ी उपयोग में आता है मिठाई के, कोई भी मिठाई बने मावा तो सबसे पहला प्राथमिकता है, तो अपने पास दूध से निकालनी चाहिए मावा या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं? देखिए मावे का जहाँ तक ताल्लुक है, मावा अपना ही बनाना चाहिए। अगर बाज़ार से लोगे, बाज़ार में आजकल पाउडर केमिकल वगैरह इनके बहुत से वो आ रहे हैं, तो जो अपना अगर मान लो बना हुआ तो अपने को, आपको पता है कि हमारे पास क्या है, क्या हम लोगों को खिला रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, तो उसका सब पता रहेगा। अब दूसरे का मान लो दूसरी जगह से माल लेते हैं तो उसका कुछ पता नहीं रहता भैया क्या, तो इसलिए अपना ही मावा तैयार करना चाहिए। सर जैसे हम देख पा रहे हैं अलग अलग मिठाई है, सब एक ही जैसे, कुछ बेसन से बनी हुई होती है, कुछ मावे से, तो कॉस्ट कैसे डिफाइन होती है? जैसे कुछ दो तीन मिठाई एक ही तरह के मावे से बनी हुई होती है, लेकिन कॉस्ट अलग अलग होती है, उसका क्या रीज़न होता है?
देखिए उसका रीज़न कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। इसमें होता क्या है कि एक कोई ड्राई फ्रूट लग जाता है किसमें, उसके थोड़े से रेट चेंज हो जाते हैं, कुछ बिना ड्राई फ्रूट के रहती हैं उसके थोड़े, किसी में बर्फ़ी में मान लो किसी में मीठा ज़्यादा है किसी में कम है, तो उसका सब इसी तरीके से रेट डिसाइड करते हैं वो, तो उसमें कोई नहीं है। सर जैसे रॉ मटेरियल को रखने के लिए रॉ मटेरियल डीप फ्रीज में रखना चाहिए या फाइनल प्रोडक्ट जो मिठाई बन जाती है उसे रखना चाहिए? देखिए रॉ मटेरियल जो है वो तो फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मिठाई तैयार होगी आपकी जो फ्रीज में रखी जाने वाली हैं वही फ्रीज में रखी जा सकती हैं। सारी मिठाई ऐसा नहीं है कि हम फ्रीज में रख दें, क्योंकि काजू से बनी हुई जितनी भी काजू बादाम मेवा की जो भी मिठाई हैं वो फ्रीज में कभी नहीं रखनी चाहिए। जो भी मिठाई आपको रखनी है मान लो मावे की है या ये है इस तरीके की, वो आप फ्रीज में रख सकते हैं, दो चार मिठाई ज़्यादा या रसगुल्ले वगैरह हैं ये दो चार आइटम ये रख सकते हैं आप, बाकी मिठाई कोई ऐसी नहीं होती जो हम फ्रीज में रख लें। अरविंद जी मिठाई के काम में तापमान का भी क्या कोई रोल है, गर्मियों में कुछ ज़्यादा दिन चल जाए या जाड़ों में कितनी चले? हाँ जी भैया इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर गर्मी है तो गर्मी में जो मिठाई मान लो मावे की मिठाई है इनकी लाइफ जो है लगभग 3 से 4 दिन रहती है बस, और सर्दियों में लगभग जो है 8 दिन तक मावे की मिठाई चलती हैं। रहा ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ चलनी हैं, ये मिठाइयाँ आपकी जो है 15 दिन 1 महीने तक चल जाती हैं। काजू से बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं काजू बादाम मेवा की कोई भी मिठाई हो एक 15 दिन 20 दिन आराम से चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उनमें। सर जैसे मिठाई कभी कभी ज़्यादा बन जाती है तो और उनका दिन पूरा हो गया तो क्या वो रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है या वो ख़राब ही हो जाएगी? देखिए अधिकांश तो जो अगर मान लो ख़राब होगी तो ख़राब ही हो जाएगी, फिर उसे द्वारा ना ही तो उसमें कोशिश करनी चाहिए, और क्योंकि ये एक तरीके का अपना मान लो 8 दिन कोई 10 दिन अगर मान लो कोई हो सर तो रिपेयर करो कुछ करो उसमें बेकार है, इसलिए जो है मिठाई ताज़ी अपना नहीं बननी चाहिए, उसे जो है अपना जो ख़राब होगी तो ख़राब ही होगी, उसे कभी नहीं मार्केट में लाना चाहिए। अगर सर वैरायटी की बात करें तो लगभग एक नॉर्मल सी शॉप भी हो तो कितनी तरह की वैरायटी उसके पास होनी ही होनी चाहिए? देखिए आज का टाइम ऐसा भैया सब वैरायटी संपन्न वो है तो वैरायटी तो इसमें चाहिए ही चाहिए, जितनी भी कम से कम मैं मानता हूँ अगर आज के टाइम में 50 वैरायटी यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा है, 50-60 वैरायटी कम से कम आज के टाइम में होनी चाहिए, क्योंकि 2-4, 10-5 वैरायटी तो वैसे ही पता नहीं लगता कुछ भी, क्योंकि काउंटर्स बड़े आते हैं सारा बहुत सारे काम है तो इसमें तो पता नहीं लग पाता, कम से कम 50-60 वैरायटी तो होनी चाहिए लोगों के। सर आप 56 भोग चला रहे हैं तो मिठाई के काम में सर नाम और क्वालिटी का सबसे बड़ा महत्व है, लोग बाग नाम पे और क्वालिटी पे जाते हैं मेनली, तो वो कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए सब अपना अपना तरीका है, हर आदमी का अपना लेवल है, वो कैसे मेंटेन कर सकता है उसे, तो इसमें तो यही अच्छा है कि आदमी का अपने अनुभव से, जब तक आदमी को अनुभव नहीं होने का तो वो कुछ वो नहीं कर सकता। रहा इसका अगर मान लो चलाने के लिए तो ये क्योंकि पहले आदमी को अपना जो भी अपनी मानसिकता जो है अपने काम में रखनी चाहिए, अपनी मानसिकता के साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार के साथ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जब क्वालिटी व्यवहार आदमी का अच्छा होगा तो मिठाई अपने आप बिकेगी। सर जैसे एक बार नाम बन गया, जैसे आपका नाम बन जाए तो क्या उसे एक्सपेंड कर सकते हैं आउटलेट और भी खोल सकते हैं आसपास के शहरों में खोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खोल सकते, नाम अच्छा है काम अच्छा है कहीं भी आप खोल सकते हो, कहीं भी लेकर बैठो, जहाँ भी बैठेंगे आप वहाँ आपकी मिठाई बिकेगी, आपका काम चलेगा, आपका नाम और बढ़ेगा। सर अरविंद जी जैसे त्यौहार वगैरह होते हैं दीपावली वगैरह नया साल, इन पर मिठाई की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए सर क्या अपनी ब्रांडिंग करके भी उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं, जैसे बीकानेर वगैरह वाला जो है मार्केट में सोन पापड़ी वगैरह पूरे में बिकती है, आराम से बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल आराम से बेच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही आइटम ऐसे जो आप बाज़ार में बेच सकते हैं, बतीशा हो गया या इस तरीके की गजक वगैरह हो गई है, 5-7 आइटम ऐसे जो आप बाज़ार में उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ज़्यादातर वैरायटी जो है अपनी दुकान पे अपने उसे ही बेचने में फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट में वही एक चीज़ जाएगी जो जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि अब देखा होगा आपने हल्दीराम के इनके एक एक महीने के लेबल लगा देते हैं इन पर, अब क्या देते हैं बोले डेट डाल देते हैं उस पर कब की, अब कब बनता है कब बिकता कुछ पता नहीं लगता, इसलिए ये है कि अपना ताज़ा बनाओ ताज़ा बेचो उसमें ज़्यादा बढ़िया अपना। अरविंद जी हम देख पा रहे हैं कि आपके 56 भोग में मिठाई के साथ साथ फास्ट फूड भी चल रहा है, तो क्या फास्ट फूड करना भी अच्छा एक उपाय है? देखिए आज का युग ही फास्ट फूड का है जी। आज की जो जनरेशन है वो फास्ट फूड पे ही डिपेंड है, क्योंकि भाई कोई बुजुर्ग वगैरह ये तो फास्ट फूड थोड़ा बचते हैं लोग, लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं आज के टाइम में सब फास्ट फूड पे ही डिपेंड नहीं है सारे, अब इसलिए जो है फास्ट फूड जो है इसके स्वीट्स के काम में एक साइड बिजनेस है अभी,
ये दूसरा साइड बिजनेस है इसमें, इसलिए फास्ट फूड का तो आज के टाइम में प्रचलन भी है और वैसे भी है, आज की जनरेशन की भी मांग है, ये तो फास्ट फूड तो आज के टाइम में जरूरी हो गया है। अरविंद जी, अभी आप 56 भोग में किन फास्ट फूडों का निर्माण कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं? हमारे पास डोसा है, 3-4 तरह के डोसे बनाते हैं, चाउमीन, बर्गर और पाव भाजी वगैरह, ये भी मतलब फास्ट फूड का लगभग सारा टोटल वो है हम पे वैरायटी। सर, जैसे आपने फास्ट फूड के बारे में बताया कि फास्ट फूड कर सकते हैं मिठाई के साथ, क्या इसके साथ केक वगैरह, बेकरी वगैरह का भी कर सकते हैं, केक बनाना वगैरह? हाँ बिल्कुल भैया, क्यों नहीं, केक का भी कर सकते हैं, ये तो आज के टाइम में इसकी भी अपना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि केक में आजकल जो है, मैं समझता हूँ जितनी भी बर्थडे होती है सब भी केक चलते हैं आजकल, तो उसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी बहुत अच्छा अनुभव रहेगा उसमें। अरविंद जी, कोई 56 भोग से मिठाई लेना चाहे, खरीदना चाहे, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? हमसे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे लगभग बैनर्स लगे हुए हमारे और बोर्ड बहुत सारे लगवा रखे हैं हमने, तो और वैसे अगर मान लो कोई बाहर से आता है तो नुमाइश ग्राउंड, बिजनौर नुमाइश ग्राउंड पे अपनी शॉप है हमारी। अच्छा अरविंद जी, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन, स्विगी, जोमेटो वगैरह, तो क्या उनसे भी संपर्क किया हुआ है आपने? नहीं, उनसे संपर्क नहीं किया, क्योंकि अगर हम उनसे संपर्क करते हैं तो ये कस्टमर को महंगा बैठता है, हमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमर को कॉस्टली बैठता है, इस वजह से हम इसके चक्कर में नहीं है। अच्छा सर, कोई नया व्यक्ति अगर मिष्ठान भंडार खोले तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या उसे पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए या एक्सपीरियंस हलवाई को हायर करना चाहिए? देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ जिसे एक्सपीरियंस ना हो इस काम में ना आए, क्योंकि एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस के साथ व्यवहार अच्छा हो, व्यवहार के साथ साथ उसकी अपनी जो है रेपुटेशन अच्छी हो, मार्केट में ऐसा हो कि उसे कुछ कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 5-7% लोग जानते हों। अगर ऐसा नहीं है, कोई अनजान आदमी मान लो बाहर से आए और यहाँ शॉप करे, या कहीं भी मान लो मैं जाऊँ, मैं बाहर करूँ, वहाँ मेरी जान नहीं पहचान नहीं तो मैं क्या शॉप करूँगा, कोई वो नहीं है, तो शॉप तो चल जाएगी, लेकिन या तो यह है कि बहुत अच्छे स्तर से शॉप खोली जाए तो चल जाएगी, या फिर यह है कि ऐसा वो हो कि उसके अपने खुद गट्स ऐसे हों जो वो अपना व्यापार चला सके। अच्छा सर, जितने भी काम होते हैं उसके कुछ अच्छाई होती हैं, कुछ बुराई भी हो सकती है, तो सर क्या इसके कोई ड्रॉबैक भी है कि ज़्यादा मिठाई बन गई वगैरह, तो उसका कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस काम में फ़ायदा होता है नुकसान भी पहले है, नुकसान पहले सोचना चाहिए, फ़ायदा बाद में सोचना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान भी बहुत है और फ़ायदा भी बहुत है, लेकिन ये कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर ज्ञान आपको, अगर मान लो आपको तजुर्बा है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप जो है कोई आपको जो है नुकसान ऐसा वो नहीं होने का है, अपने हिसाब से आप चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा अरविंद जी, आपका काफ़ी अच्छा सेटअप है 56 भोग का, तो इस सेटअप में लगभग कितना रुपया लग सकता है ऐसा सेटअप में? देखिए, आज के टाइम में ऐसा सेटअप बनाने के लिए लगभग जो है कम से कम 20 लाख रुपए कम से कम आपको चाहिए, जो आप अच्छा काम एक कर सकते हैं तो 20 लाख रुपए आपको कम से कम चाहिए। अच्छा अरविंद जी, अगर सारे रॉ मटेरियल वगैरह मिला लिया जाए तो उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट के बाद कितना मुनाफा होने के कितने परसेंट मुनाफा होने के चांसेस होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा आपसे, मुनाफा है बिक्री का, अगर सेल हमारी हो गई तो मुनाफा ही मुनाफा है, लेकिन आप फिर भी ये है कि जब आपने क्वेश्चन किया है तो मुनाफे का जहाँ तक है, मैं समझता हूँ कि 20-25% इसमें जो है मुनाफा आ जाता है। अरविंद जी, मिठाई खरीदने वाला व्यक्ति डब्बे में लेके जाता है ज़्यादातर मेनली, तो सर अपने ब्रांडिंग करके डब्बे वगैरह बनवाने में कितनी कॉस्ट आ जाती है, आधा किलो में कितनी आ जाती है, एक किलो में कितनी आ सकती है सर? देखिए, आधा किलो का डब्बा लगभग भैया जी लगभग 16 रुपये का आधा किलो का डब्बा बैठता है, 22 रुपये का एक किलो का डब्बा बैठता है, लेकिन हम लोग जो है मिठाई डब्बा देते हैं तो डब्बे का लगभग जो है 100 ग्राम वेट अलग देते हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर की किसी की जेब काटनी या कुछ करना, इस तरीके का हमारा अपना वो नहीं है, हमारी अपनी एक सोच है और उस सोच को कायम रखना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी जहाँ तक होते हैं हम तो 100 ग्राम और आधा किलो के बॉक्स पर 60 ग्राम एक्स्ट्रा देते हैं। ये है हमारे साथ अरविंद कुमार जी, मिष्ठान 56 भोग मिष्ठान भंडार के ओनर, जिन्होंने हमें मिष्ठान भंडार के ऊपर जानकारी दी। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।